अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट अतार रसूल। आज 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से किए जाने वाले कारोबार की वीडियो का सेकंड पार्ट है। आज मैं आपको नेक्स्ट 15 काम बताऊंगा जो आप 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने 15 बताए थे, 15 आज की वीडियो में टोटल 30 जो हैं वो बेसिकली मैंने कॉन्टेंट में लिखे थे जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे पेज कामयाब पाकिस्तान को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल कामयाब पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहें। अब बिना किसी तखीर के मैं आपको बताता हूँ वो 15 काम जो पिछले वीडियो में रह गए थे, इस वीडियो में कम्प्लीट करता हूँ उसको। नंबर 16 पे गिफ्ट सेंटर और टॉयज का काम। टॉयज़ और गिफ्ट में बड़ा अच्छा मार्जिन है, 50% तक भी मार्जिन है इसमें और ये हर जगह पर चलने वाला काम है। आप इसको कर सकते हैं किसी भी शहर के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, छोटे कस्बे में भी करेंगे तो चलेगा। नंबर 17 पे बुक शॉप और स्टेशनरी का काम, ये भी आप कर सकते हैं। किसी स्कूल कॉलेज के पास बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, किसी भी स्ट्रीट और किसी कस्बे में बनाते हैं, किसी बड़े शहर में बनाते हैं तो भी आपका ये चलने वाला कारोबार है। और अगर आप इसी के साथ स्कूलों के साथ कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, उनको उनकी प्रिंटेड शुदा जो है वो कॉपीज़ और बुक्स वगैरह जो हैं वो से सप्लाई करने लग जाते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। नंबर 18 पे ऑयल चेंज और फिल्टर वगैरह का काम, मतलब फ़िल्टर हाउस जिसको कहा जाता है, जहाँ से लोग गाड़ियों का ऑयल चेंज करवाते हैं, इसमें बड़ा अच्छा मार्जिन है। ऑयल फ्री चेंज किया जाता है लेकिन उसके इवज़ आप जो उसमें से ऑयल निकलता है वो रख लेते हैं, वो ऑयल 80 रुपीज़ पर लीटर तक सेल होता है, 100 तक भी सेल होता है। वो 4 लीटर अगर निकलता है तो वो 400 रुपये आपको वो उजरत मिल रही होती है उसमें, और जब ऑयल सेल होता है तो उसके अंदर भी आप कमा रहे होते हैं, फ़िल्टर सेल होता है उसमें भी आप कमाते हैं। तो मतलब एक गाड़ी का ऑयल चेंज करने में आपको 7 to 1,000 तक जो है वो आपको मार्जिन मिल जाते हैं। नंबर 19 पे कैटरिंग सर्विस। अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके आप एक छोटी सी अपनी कैटरिंग सर्विस शुरू कर लेते हैं 300-400 लोगों के लिए, और अगर आपके पास उसी दौरान बड़े इवेंट आते हैं तो आप कैटरिंग बाहर से हायर भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके पास कैटरिंग थोड़ी है तो आप बड़े इवेंट नहीं कर सकते। नंबर 20 पे रंग यानी पेंट शॉप। पेंट का काम, जितने भी घर नए बनते हैं उनमें पेंट का काम होता है और पुराने घरों में भी मेंटेनेंस के लिए पेंट का काम होता है, और पेंट का काम भी हर जगह पर चलता है। और पेंट में 10 to 30% तक कंपनीज़ की तरफ से मार्जिन होता है, डिस्काउंट जो आप दुकानदार को मिलता है। नंबर 21 पे सीमेंट बजरी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मटेरियल्स जो होते हैं घर बनाने के लिए, उनकी सप्लाई का काम। सीमेंट बजरी का काम में बड़ा अच्छा मुनाफा है मेरे ख्याल में जो है वो 5 to 20% का, लेकिन सेल ज़्यादा होती है तो 5% भी आपके पास हो तो भी बड़ा अच्छा पैकेज जो है वो महीने का बन जाता है। नंबर 22 पे सेंट्री का काम, यानी कि प्लम्बरिंग का जो काम होता है, जिसको घरों में पानी की वायरिंग और गैस वगैरह की वायरिंग के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, और इसके साथ ही सरामिक्स का काम जो होता है जिसमें WC कमोड और बेसन वगैरह है, इसकी होलसेल मार्केट गुजरांवाला में, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ से जो WC आपको 300 का मिलता है आप मार्केट लोकल में ला के वो 1200 का सेल करते हैं, इतना मार्जिन है इसके अंदर, और ये बड़ा अच्छा काम है। नंबर 23 पे है बैटरियों का, UPS का और सोलर का काम। बैटरियों के ऊपर जो है वो 10 to 12%, 15%, 20% तक मार्जिन है। अगर इसी के साथ आप UPS और सोलर को भी ऐड कर लेते हैं, मतलब सोलर की कुछ प्लेटें आप रखें, ज़्यादा स्टॉक ना रखें, ऑर्डर मिलने पर आप ज़्यादा स्टॉक जो है वो मंगवा लें, तो ये बड़ा अच्छा काम है। नंबर 24 में गर्मियों में एयर कूलर का काम। अब ये काम सारा साल चलने वाला नहीं है, लेकिन ये काम पूरे साल का है। सर्दियों में कूलर बनाए जाते हैं और गर्मियों में सेल किए जाते हैं, क्योंकि गर्मियों में अब बनाकर आप सेल नहीं कर सकते डिमांड के मुताबिक, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने का सीज़न है, बल्कि जो लोग हमारे यहाँ लोकली करते हैं काम वो 6-6 महीने का किराया भर देते हैं और वो पूरा स्टॉक जो है वो सर्दियों के अंदर ही रेडी करवाते हैं और गर्मियों में उसको जो है वो धड़ाधड़ सेल करते हैं, और जितनी गर्मी ज़्यादा होगी उतना कूलर महंगा बिकेगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नंबर 25 पे है कॉस्मेटिक और ज्वेलरी वगैरह का काम, यानी कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है, ये बड़ा अच्छा काम है और चलने वाला है, और इसका मार्जिन भी जो है वो 20 to 70% का है। नंबर 26 पे है स्टोरेज सॉल्यूशंस, यानी कि अलमारियों का, दराज़ों का, कबर्ड्स वगैरह का काम, जो लोहे की अलमारियाँ आपको नज़र आती हैं घरों में, ऑफिसज़ में, इनका काम, ये कारखानों में बनती हैं और लाकर इनको मार्केट में एक शोरूम बना के आप इसको सेल कर सकते हैं, और पर अलमारी जो है वो आपको 1500-2000 से लेकर 5000 तक जो है वो मुनाफा मिल जाता है। नंबर 27 पे इलेक्ट्रिक स्टोर।
इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होती हैं, जिस तरह के बल्ब वगैरह और बाकी चीज़ें हर घर की ज़रूरत है, तो इसका काम भी आप कर सकते हैं और बड़ा अच्छा मार्जिन होता है इसमें भी। नंबर 28 पे है पेस्टिसाइड, यानी कि खाद स्प्रे और बीज वगैरह का काम। देहाती इलाकों में, कस्बों में और शहरों में भी ये काम किया जा सकते हैं और ये बड़ा अच्छा काम है और बड़ा मुनाफा बख्श काम है। नंबर 29 पे हार्डवेयर स्टोर, 5 से 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के अंदर आप हार्डवेयर स्टोर भी बना सकते हैं और हार्डवेयर भी हर घर की ज़रूरत होती है। नंबर 30 पे क्रॉकरी स्टोर, यानी कि बर्तनों वगैरह का। आजकल आपने देखा होगा 20-20 वाली सेल बहुत मशहूर हुई, फिर वो 30 और 100 तक चली गई। मतलब उसमें तीन कैटेगरी हैं, 20, 30, 50 और 100 रुपीज़। मतलब उस सेल को उन्होंने एक्सपेंड कर लिया, तो ये बड़ा अच्छा काम है और इसमें बड़ा अच्छा मार्जिन होता है। ये जितने भी कारोबार मैंने आपको इन दोनों वीडियोज़ के अंदर बताया, ये सारे के सारे 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में किए जा सकते हैं। इन कारोबार से रिलेटेड अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मालूमात चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी किस्म के सजेशंस देनी हो हमें तो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।